हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। और जनाब बहुत सारी वीडियोस भेजी हैं आपने, कहा हैदर अली, आपने कहा खुश दिल शाह, आपने कहा बाबर आजम, आप सबने जो जो फरमाइश की आज आपके भाई ने आपको स्टेडियम के पीछे से भेजा, और सोचा आखिर में थोड़ा अपना भी मैं जो है वो कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेशन रहा, मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई, प्लेजेंट वेदर है कराची का। दोपहर में गर्मी है पर रात में मुझे लगता है इंग्लैंड वाले बड़ा इन्जॉय करेंगे। और थोड़ा शोर आपको आ रहा होगा क्योंकि इस वक्त हेलीकॉप्टर जो है वो चक्कर लगा रहा है इंग्लैंड टीम के जाने और पाकिस्तान के जाने से पहले। लेकिन जनाब आज जो प्रैक्टिस सेशन रहा उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि पाकिस्तान का टोटल जो फोकस था वो पावर हिटिंग पे था। हमने हैदर की पावर हिटिंग भी आपको दिखाई, हमने इफ्तिखार की भी दिखाई, जो मुझे सबसे सॉलिड आज लंबी पावर हिटिंग स्ट्रोक पे लगा इस पूरे के पूरे जो है ना सेशन के अंदर, वो नवाज का था। नवाज वाज लुकिंग इन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर्म, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान उनको ज़रूर चाहेगा कि उनकी बैटिंग को यूटिलाइज करें। इतना सॉलिड वो खेलते हैं, कट पुल छक्का चौका, यानी कि 15 मिनट तक लगातार वो क्लासिकल बैटिंग करते रहे। बाबर ने आज कम अज़ कम 1.5 से 2 घंटा जो है वो बैटिंग की मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स के अंदर, 3 मतलब घंटा चले आप लगा लें, 1.5 घंटा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट बड़े डिटरमिन दिखाई दिए बाबर ने आज। वो डेडिकेशन दिखाई कि वो अपनी फॉर्म में आना चाहते हैं, उनको पता है कि उनका फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है। आज रिजवान जो है बैटिंग करने नहीं आए, उनको रेस्ट करवाया गया, इससे लगता ही है कि वो पहले चंद मैचेस शायद नहीं खेलेंगे। और इसी तरह शॉन टेड आज पाकिस्तान के बॉलर्स की मदद के लिए मौजूद नहीं थे चूँकि उनकी तबीयत कुछ ख़राब है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि दोनों ही टीमों ने बड़ी जो है वो आज जान मारी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दोनों टीमें जा चुकी हैं और ग्राउंड स्टाफ अपना काम कर रहा है, और इस वक्त जो है वो ये हेलीकॉप्टर भी आप ऊपर आवाज़ सुन रहे होंगे, क्योंकि दोनों टीमों को जब ले जाया जाता है, लाया जाता है, तो उस वक्त ये हेलीकॉप्टर मौजूद होता है। और बहरहाल सिक्योरिटी अब इतना कोई ख़ास टॉपिक रहा नहीं, जो कि हम माशाल्लाह दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन आज मैंने बहुत इन्जॉय किया प्रैक्टिस सेशन को। आज मेरा फोकस था दोस्तों पाकिस्तान की बैटिंग पर, कल आपको पाकिस्तान के बॉलर्स और इंग्लैंड की भी बैटिंग, यानी कि एलेक्स हेल्स हो जाएँ या फिल सॉल्ट हों या उनके पास हैरी ब्रुक, जितने बड़े बड़े नाम हैं, आप मुझे कमेंट सेशन में बताएँ कि आप कल पाकिस्तान के किन बॉलर्स की और इंग्लैंड में किस बैट्समैन की बैटिंग को देखना चाहेंगे, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक दरख्वास्त जो आखिर में एक मरतबा फिर है आप सबसे कि जो लोग मेरे YouTube चैनल को सुन रहे हैं, मेरे Facebook पेज पे जाके गफ्फार डॉन न्यूज़ को ज़रा प्लीज़ वहाँ पर जो है वो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी मैं बहुत सारा कॉन्टेंट डालूंगा, ख़ासतौर पर जो प्रेस रिलीज़ या तस्वीर होती है वो आपको वहाँ मिल जाएंगी कॉन्टेंट की सूरत में। तो जनाब ये थी Day 2 कवरेज, पाकिस्तान के Day 1, इंग्लैंड का Day 2। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम नेशनल कराची Day 2। कल संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन फिर आपके लिए आऊँगा, आपके लिए अच्छा कंटेंट निकालूंगा और आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।